स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम कॉम 6 का लेसन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इस लेसन में जो भी चीजें हम ध्यान से डिस्कस करेंगे, सारे उसके एमसीक्यूज, जैसे कि मैं आप लोग को हर बार बोलता हूँ कि लेसन रीड कर लीजिए और उसके बाद एमसीक्यू करिए। मैं एमसीक्यू आप लोग को सिर्फ पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करके समझा दूं, ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ जाए और आप उसके ऑब्जेक्टिव्स बाद में अटेम्प्ट कर सके। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए। बाकी सब्जेक्ट्स के भी मैंने ऐसे ही एमसीक्यू बताया है आप लोग को, मोस्टली क्या करके आप लोग को एक्सप्लेन करके बताया है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आप लोग को एमसीक्यूज क्या करूं, एक्सप्लेन करूं, सिर्फ आंसर बताने के लिए नहीं किया है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कॉम्पिटेंस रिफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एट्रीब्यूट्स एंड डैश विच आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव वर्क परफॉर्मेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है कि वो कॉम्बिनेशन है किसका, नॉलेज का, एट्रीब्यूट्स का, एंड डैश किसका, रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव वर्क, जो वर्क परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो इसका ऑप्शन दिया है स्किल्स, फीलिंग, ओपिनियन, इमोशन। तो इसका आएगा आप लोग का स्किल्स, बराबर ना। नॉलेज, एट्रीब्यूट एंड स्किल्स जरूरी है वर्क परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, उसी को कॉम्पिटेंस बोलते हैं हम लोग। प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स वेइंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हम लोग को क्या जरूरत पड़ती है, वेइंग मतलब अंदाजा लगाना, वेट करना, बिफोर डैश बिफोर द फाइनल डिसीजन इज मेड, क्या वे करना, बराबर ना। सजेशन, अल्टरनेटिव्स, ओपिनियन, आइडियाज। तो इसका आएगा आप लोग का अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स मतलब कोई भी प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं, बराबर ना। आगे डैश रिफर्स टू अ जनरल कॉम्पिटेंस विच आर स्पेसिफिक टू एन ऑर्गेनाइजेशन। डैश रिफर्स टू अ जनरल कॉम्पिटेंस। जनरल कॉम्पिटेंस मतलब एक कंपनी, एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, बराबर ना। टेक्निकल, बिहेवियर, प्रोडक्शन और कोर। तो आएगा यहाँ पे कोर। आगे आएंगे हम लोग, डैश पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू हिज बुक द फिफ्थ डिसिप्लिन। द फिफ्थ डिसिप्लिन बुक के जरिए किसने पॉपुलराइज किया लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, तो पीटर सेंगे, पीटर ड्रकर, टॉम पीटर्स, पीटर गैब्रियल। तो इसका आएगा आप लोग का पीटर सेंगे। पीटर सेंगे ने बुक लिखा था, पॉपुलराइज किया था कॉन्सेप्ट अपनी बुक फिफ्थ डिसिप्लिन के जरिए। आगे द डैश ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू एन एम्प्लॉयज। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को ऑटोनॉमी मतलब अपनी मर्जी से काम करने के लिए, मतलब अपनी मर्जी से वर्क करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमी देती है, मतलब फ्रीडम देती है एम्प्लॉयज को। तो लाइन, मैट्रिक्स, इनोवेटिव, लाइन एंड स्टाफ। तो इसका आप लोग का इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए, इनोवेटिव कल्चर इज वर्क। इनोवेटिव कल्चर इज द वर्क डैश। इनोवेटिव कल्चर वर्क का क्या होता है, दैट मैनेजर्स एनकरेज टू नर्चर एंड डेवलप टू जनरेट इनोवेटिव आइडियाज। ताकि मैनेजर एनकरेज करते हैं लोग, ताकि अपने नए नए आइडियाज नर्चर करें, डेवलप करें, ठीक है ना। रूल्स, एनवायरमेंट, एथिक्स, कस्टम्स। तो इसका आएगा वर्क एनवायरमेंट, बराबर ना। वर्क एनवायरमेंट अगर अच्छा होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वर्कर हम लोग के नए नए आइडियाज लेके आएगा। आगे आते हम लोग, एम्प्लॉयज डैश इज एन एक्सटेंट टू विच एम्प्लॉयज फील पैशनेट अबाउट देयर जॉब एंड आर कमिटेड टू द वर्क। किससे हम लोग को पता चलेगा कि एम्प्लॉयज क्या है, पैशनेट है अपने जॉब को लेकर और कमिटेड है अपने काम को लेकर। एंगेजमेंट, रिकॉग्निशन, सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन। तो इसका आएगा एम्प्लॉयज एंगेजमेंट। डैश एम्प्लॉयज परफॉर्म व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम एंड नथिंग मोर। कौन से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो सिर्फ उनसे जो चाहते हैं हम लोग वो काम करके देंगे, बाकी उससे ज्यादा काम नहीं करेंगे। एक्टिवली एंगेज, एक्टिवली डिसएंगेज, नॉट एंगेज, पार्टली एंगेज। तो इसका आएगा आप लोग का नॉट एंगेज। नॉट एंगेज एम्प्लॉय मतलब सिर्फ जितना काम बोले उतना काम करेंगे, उससे ज्यादा काम करके नहीं देंगे। डैश इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम यूज टू गैदर। कौन सा ऐसा इंटीग्रेट सिस्टम है जो हम लोग को गैदर करने के लिए, स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। तो MIS, HRP, HRA, HRIS। तो इसका आप लोग का ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम, HRIS, ठीक है। डैश एम्प्लॉयमेंट इज अ सिस्टम ऑफ वर्किंग फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स विद इन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइमिंग विद इन द एग्रीड लिमिट्स। तो कौन सा ऐसा सिस्टम ऑफ वर्किंग है जिसके अंदर वर्किंग आवर्स आप लोग के फिक्स होते हैं और फिनिशिंग स्टार्टिंग टाइम एक एग्रीड लिमिट के अंदर, मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट टाइम सेम रहेगा, मतलब स्टार्ट 9 बजे करना है, खत्म 5 बजे करना है, ऐसा नहीं। एक एग्रीड लिमिट है, मतलब सुबह 7 से लेकर शाम को 12, रात को 12 बजे तक कभी भी अपनी मर्जी से स्टार्ट फिनिश करो, लेकिन वर्किंग आवर्स फिक्स रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सी टाइमिंग। आगे डैश रिफर्स टू द प्लांट एलिमिनेशन ऑफ पोजिशन और जॉब। मतलब किस में हम लोग क्या करते हैं, जॉब और पोजिशन को क्या करते हैं, प्लांट तरीके से एलिमिनेट करते हैं, बराबर ना। तो डाउन साइजिंग, अपसाइजिंग, टर्मिनेशन, डिमोशन। तो इसका आएगा आप लोग का डाउन साइजिंग, ठीक है। आगे उसके बाद लिखा है आप लोग का डैश गाइडलाइंस आर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। कौन सी गाइडलाइन में हम लोग का प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो होता है उसको बचाने के लिए किया गया, विशाखा, अप्सरा, मेहरोत्रा, विजया। तो इसका आएगा आप लोग का विशाखा। आगे
एम्प्लॉयज डैश रिफर्स टू ग्रेजुअल रिडक्शन इन वर्कफोर्स, एम्प्लॉयज डैश रिफर्स टू ग्रेजुअल रिडक्शन इन वर्कफोर्स, एम्प्लॉयज को क्या करना, मतलब डैश रिफर्स टू एम्प्लॉयज के मतलब होता है ना, ये इसका मतलब क्या होता है कि वर्कफोर्स प्रोड्यूस करना विदाउट फायरिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को निकाले बगैर, विच टेक प्लेस एज एंड व्हेन वर्कर रिजाइन और रिटायर और आर नॉट रिप्लेस्ड, टर्नओवर, डाउनसाइजिंग, टर्मिनेशन, एट्रिशन, तो इसका आएगा आप लोग का एट्रिशन। एम्प्लॉयज डैश इन्वॉल्व्स गिविंग एम्प्लॉय द ऑटोनॉमी टू टेक राइट डिसीजन, एम्प्लॉयज क्या मतलब बोलते ना किसके अंदर हम लोग एम्प्लॉयज को ऑटोनॉमी देते हैं डायरेक्ट डिसीजन लेने के लिए, एंगेजमेंट, एम्पावरमेंट, एजुकेशन, एनरिचमेंट, तो आएगा आप लोग का एम्पावरमेंट। जनरेशन डैश इंक्लूड्स पर्सन बॉर्न बिटवीन 1979 टू 1999, एक्स वाई एक्स जेड एस, तो इसका आएगा आप लोग का जनरेशन वाई, जो 1979 से लेकर 1919 के बीच में है। लेसन पढ़ेंगे आप लोग को मान पड़ेगा एक्स की जनरेशन क्या है, वाई की क्या है, जेड की क्या है, लेसन के अंदर सब है, ठीक है ना, तो आप लोग को सब पढ़ना है। कॉम्पिटेंस, क्योंकि आप लोग को मैंने बोला ना लेसन पहले पढ़ा, कॉम्पिटेंसी डैश इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग की कॉम्पिटेंसी रिक्वायर फॉर अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल टास्क, कॉम्पिटेंसी कौन सी जरूरी है जो हम लोग क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल टास्क को पूरा करने के लिए, बराबर ना, तो स्केलिंग, टास्किंग, मैपिंग, सोशलाइजिंग, इसका आएगा आप लोग का मैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट है डैश मैपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग की कॉम्पिटेंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ जॉब, तो डैश मैपिंग, तो अभी हमने ऊपर करे वो सेम चीज को वापस घुमा फिर बोल रहा है वो कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, जॉब आइडेंटिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन, तो इसका आएगा आप लोग का कॉम्पिटेंसी। द डैश ऑप्शन इंक्लूड फ्लेक्सी टाइमिंग, परमानेंट, पार्ट टाइम, एम्प्लॉयमेंट, जॉब शेयरिंग एटसेट्रा, फ्लेक्सी सपोर्ट, फ्लेक्सी टाइमिंग, फ्लेक्सी जॉब, फ्लेक्सी वर्क, तो इसका आएगा आप लोग का फ्लेक्सी वर्क, बराबर ना, इसमें आप लोग फ्लेक्सी टाइम है आप लोग को, परमानेंट, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है, जॉब शेयरिंग है एटसेट्रा, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सी वर्क। डैश इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग जॉब रिलेटेड वर्क एट साइट अवे फ्रॉम द ऑफिस, किसके अंदर हम बोल सकते हैं कि परफॉर्मिंग ऐसा क्या बोलते हैं जॉब के रिलेटेड वर्क करना है हम लोग को ऑफिस के दूर होके, बराबर ना, फ्लेक्सी एम्प्लॉयमेंट, वर्क एम्प्लॉयमेंट, टेली कम्युनिकेटिंग, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, तो इसका आएगा आप लोग का टेली कम्युनिकेटिंग। आगे है डैश इज अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट और फिट अमंग द और फिट अमंग द मल्टीपल रोल्स इन द पर्सन्स लाइफ, तो क्या हम लोग का सेटिस्फेक्शन लेवल है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल लेवल पे पर्सन्स की लाइफ में वो क्या रहते हैं फिट रहते हैं, मल्टीपल बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, पर्सनल बैलेंस, सोशल बैलेंस, तो इसका आएगा वर्क लाइफ बैलेंस। यस, एम्प्लॉय डैश इज अ फिलोसॉफी वेयर एम्प्लॉयज आर गिवन द राइट अमाउंट ऑफ पावर टू टेक डिसीजन एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एनरिचमेंट, एक्सटेंशन, एक्सपांशन, एम्पावरमेंट, तो इसका आएगा हम लोग का एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के अंदर हम लोग ऐसी फिलोसॉफी जिसमें एम्प्लॉयज को हम लोग क्या देते हैं पावर देते हैं डिसीजन लेने के लिए ताकि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या कर सके अचीव कर सके, ठीक है। डैश रिफर्स टू रीऑर्गेनाइजिंग कॉर्पोरेट बिजनेस फर्म, बिजनेस फर्म को रीऑर्गेनाइज करना, तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, कैपिटल रीऑर्गेनाइजिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉर्पोरेट प्लानिंग, तो इसका आएगा आप लोग का कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है ना, बिजनेस की जो क्या बोलते हैं बिजनेस कंपनी हमारी उसको रीऑर्गेनाइज करना पूरा वापस से, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। एनी वर्क प्लेस विथ मोर देन डैश एम्प्लॉय नीड्स टू इम्प्लीमेंट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट ऑफ हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 बजे बना था, तो कितने एम्प्लॉयज के लिए मतलब बोलते ना मिनिमम कितने एम्प्लॉयज होना चाहिए उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन जरूरी है उसको, ठीक है, तो 10, 20, 30, 50, तो इसका आएगा आप लोग का 10, अगर आप लोग के पास 10 वर्कर है तो आप लोग को ये एक्ट के अंदर एप्लीकेबल इंप्लीमेंट हो जाएगा। 24 का लिखा है डैश एम्प्लॉयज आर डिससैटिस्फाइड एंड अडॉप्ट नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क, कौन से एम्प्लॉयज है जो एम्प्लॉयज क्या रहते हैं डिससैटिस्फाइड रहते हैं और नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं, नेगेटिवली काम करते हैं एटीट्यूड टुवर्ड द वर्क, नॉट एंगेज, एक्टिवली एंगेज, उसके बाद है आप लोग का actively disengaged, negatively engaged, तो इसका आएगा आप लोग का actively disengaged employees, जो dissatisfied रहते हैं और negative काम करते हैं इसके लिए, ठीक है ना। आगे employees work in with passion and are committed to work in the interest of the organization, ऐसे worker जो passion के साथ काम करते हैं और company के फायदे के लिए काम करते हैं, actively engaged, actively disengaged, not engaged, negatively engaged, तो इसका आएगा simple सा एकदम actively engaged। employees dash is a extent to which employees feel passionate about their job and work in the interest of organization. Employees dash is an extent which employees feel passionate about the job and work in the interest of organization. Empower, engagement, enrichment, satisfaction. तो इसका आएगा आप लोग का engagement.
अभी ऊपर करे तो मैंने यार आ चुका ऑलरेडी, रिपीट है। आगे डैश इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ समवन्स थॉट प्रोसेस अबाउट हाउ समथिंग वर्क इन रियल वर्ल्ड। क्या डैश इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ समवन्स थॉट प्रोसेस, किसी का थॉट प्रोसेस, समथिंग हाउ समथिंग वर्क इन रियल वर्ल्ड, किस तरह से चीज रियल वर्ल्ड में काम करती है। पर्सनल मास्टरी, सिस्टम थिंकिंग, फिजिकल मॉडल, मेंटल मॉडल, तो इसका आएगा आप लोग का मेंटल मॉडल बराबर, ठीक है। अंडर डैश एम्प्लॉयज गेन नॉलेज स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड थ्रू वर्क एक्सपीरियंस। एम्प्लॉयज क्या करते हैं, नॉलेज स्किल्स ट्रेनिंग थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट थ्रू वर्क एक्सपीरियंस के जरिए अपने आपको डेवलप करते हैं, किसके अंदर, पर्सनल मास्टरी, मेंटल मॉडल, सिस्टम थिंकिंग, फिजिकल मॉडल, तो इसका आएगा आप लोग का पर्सनल मास्टरी। उसके बाद लिखा है डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ डिफरेंट फंक्शनल एक्सपर्टाइज वर्किंग टुवर्ड द कॉमन गोल। अलग अलग ग्रुप मतलब अलग अलग एक्सपर्टाइज है लोग की, लेकिन कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, उसे ग्रुप ऑफ पीपल क्या बोलते हैं। फंक्शनल टीम, फंक्शनल कॉम्पिटेंसी, क्रॉस फंक्शनल टीम, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, तो इसका आएगा क्रॉस फंक्शनल। सबका काम अलग अलग है लेकिन फिर भी एक गोल को अचीव करने के लिए क्या करें, सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसका आएगा क्रॉस फंक्शनल टीम। उसके बाद देखते हैं क्या है हम लोग का। द टर्म डैश इज ओरिजिनेटेड विथ Kenneth Craig in his book The Nature of Explanation, Personal Mastery, Mental Model, System Thinking, Systems Thinking, Physical Model. तो इसका आप लोग का आएगा Mental Model, क्योंकि इसमें Kenneth Craig की बुक है The Nature of Explanation, ठीक है ना। तो इसका आंसर है हम लोग का कौन सा टर्म उसने यूज किया था, ओरिजिनेट किया था Mental Model का। तो ये हो गया 30 का आप लोग का आंसर फिनिश। नेक्स्ट 31, डैश इज अ मेथड ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी क्लाइंट और कंपनी। ऐसा कौन सा एम्प्लॉयमेंट का मॉडल जिसमें ना तो वो डिपेंड करता है, वर्कर डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर ना तो क्लाइंट के ऊपर। पोर्टफोलियो वर्किंग, पार्ट टाइम मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, टेम्पररी टाइमिंग, तो इसका आएगा आप लोग का पोर्टफोलियो वर्किंग। 32 का आप लोग का अंडर डैश वर्क इज परफॉर्म आइदर फ्रॉम होम और एनी अदर रिमोट लोकेशन, या तो घर से या तो किधर और से। टेलीवर्क, टेलीकम्यूट, टेलीफोन, मोबाइल वर्क, इधर आएगा आप लोग का टेलीवर्क। अंडर डैश अप्रोच द एम्पावरमेंट विच फोकस इट्स अटेंशन ऑन डेवलपिंग एंड रीडिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज प्रैक्टिसेस। कौन से अप्रोच के अंदर, एम्पावरमेंट विच फोकस इट्स अटेंशन ऑन डेवलपिंग रीडिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, उसके बाद दिया आप लोग का क्रिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर, तो इसका आएगा आप लोग का सोशल और स्ट्रक्चरल, दोनों चीज पे, कंपनी की रीडिजाइनिंग पे भी और एम्पावरमेंट पे भी, ठीक है। आगे अंडर डैश अप्रोच टू एम्पावरमेंट विच फोकस ऑन एनहांसिंग एनेबलिंग पर्सनल इफेक्टिवनेस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं एनहांस करने की, बढ़ाने की पर्सनल इफेक्टिवनेस को बाय हेल्पिंग एम्प्लॉयज टू डेवलप देयर सेंस ऑफ मीनिंग एंड कॉम्पिटेंस एटसेट्रा। इसका आप लोग आंसर दिया सोशल स्ट्रक्चरल, फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, क्रिटिकल, तो इसका आएगा आप लोग का साइकोलॉजिकल। द डैश अप्रोच ऑफ एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट चैलेंज एंड आर्ग्यू दैट एफर्ट्स टू क्रिएट एम्पावरमेंट में एक्चुअली लीड टू मोर कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज। तो एम्पावरमेंट से क्या होता है, हम लोग का एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल बढ़ता है, ये कौन सा अप्रोच बताता है, सोशल स्ट्रक्चर, क्रिटिकल, फिजियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल, तो इसका आएगा आप लोग का क्रिटिकल। नेक्स्ट है आप लोग का वर्क फोर्स इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन which comes from different states, region and even countries is called as workforce diversity, workforce selection, workforce promotion, workforce competition. Simple सी बात है, diversity, अलग अलग तरह के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग स्टेट के, अलग जगह के लोग हमारे अगर काम कर गए, इसलिए बोलते हैं वर्कफोर्स डायवर्सिटी। हम इंडिया के लिए बोलते हैं ना लोग डायवर्स कंट्री हमारी, क्योंकि अलग अलग तरह के, अलग भाषा बोलने, अलग धर्म के लोग बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग हैं। आगे लिखा है नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 सॉरी जो है, अगर उसको हम लोग कंप्लायंस नहीं करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, शैल बी पनिशेबल फाइन अप टू, कितना फाइन कर सकता है, 50,000, 60,000, 70,000, 10,000, सॉरी 1,00,000, तो इधर है 50,000 डैश। फिर उसके बाद नेक्स्ट अंडर द डैश एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन मेक अरेंजमेंट फॉर रिप्लेसमेंट। किसके अंदर, एम्प्लॉय कंपनी छोड़ते हैं और फिर क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट करती है ताकि उसके बदले क्या कर सके, हम लोग रिप्लेस कर सके। तो एम्प्लॉय एट्रीशन, एम्प्लॉय डिसएंगेजमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय टर्नओवर, तो इसका आएगा आप लोग का एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय छोड़ के चले गए आप लोग, उसके बदले एम्प्लॉय आप लोग को लेना है। डैश इज एन इंपॉर्टेंट मेजर टू मैनेज द प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटिज्म। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है एब्सेंटिज्म को टैकल करने के लिए, डिसिप्लिनरी एक्शन,
ट्रांसफर अटेंडेंस पॉलिसी मोरल, तो इसका आएगा आप लोग का अटेंडेंस पॉलिसी। अटेंडेंस पॉलिसी के जरिए आप लोग अपनी बनाएंगे तो उसका एब्सेंटिज्म आप लोग का क्या होगा, कम होगा। कैसे कम होगा, आप लोग उसको बहुत सारी अलग अलग तरह की छुट्टियां देना पड़ेगी वर्कर को, ताकि वो लोग अपना जो भी पर्सनल काम है वो छुट्टियों में यूज कर सके। तो ये हो गया आप लोग का लेसन नंबर 4, मतलब पूरा आपका कॉम 6 पूरा मैंने क्लियर कर लिया है, लगभग सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करने की कोशिश किया है, लेकिन फिर भी आप लोग लेसन को एक से दो बार रीड कर लिया करो, इसको क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से पढ़ने से पहले, ताकि आप लोग को आइडिया आ जाए। और बहुत सारे वीडियोस मैंने बना चुका हूँ सारे सब्जेक्ट्स पे, खाली क्या बोलते हैं 5 सब्जेक्ट पे बनाया मैंने आप लोग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स, कॉम 6 और इकोनॉमिक्स, तो ये पूरा कवर किया है मैंने, कोशिश करा है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और सब्जेक्ट लेके।